पाकिस्तान इंडिया को कॉपी नहीं करता, इंडिया कॉपी करता है हमारी चीजों को। किन चीजों को? हर चीज जो भी हमारी होगी, मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ी हो गई। आर यू कॉमेडी मी? और इंडिया की अगर हम बात करें तो उनका भी कुछ ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर रही थी जब से ये मोदी आया। मोदी ने आकर मुल्क को तब्दील कर दिया, एक तरक्की के रास्ते पर लेकर गया। हमारा सिर्फ एक ही बिजनेस हो गए, ट्रांसपोर्ट का। कहाँ का बिजनेस हो गए? ट्रांसपोर्ट का। बीच में ना बोड़। हमें ऐसा लीडर कब मिलेगा कि हम भी डेवलप होंगे? माथे पर यो ने लिखिया कि हम चीटर हैं, जैसे थारे माथे पर लिखे है। केड़ा लिखियो भाई? चीटर। बीच में ना बोड़। यहाँ पे BMW वाले आए, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे अपना प्लांट लगाना है। ठीक है, हमने उनको प्लांट नहीं लगाने दिया। अबे ओ लक्कड़ बग्गे की औलाद, कभी सुना नहीं क्या, द बॉस इज ऑलवेज राइट। तो उनके PM मोदी कैसा लगते हैं? वो नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? वो हिंदू है, मुसलमान है बस। बॉस का खून बोलता नहीं, खोलता है, और जब ये खोलता है तो ये बॉस एक एक को फोड़ता है। हम ना छोड़े दौड़े फोड़े, जो भी हमसे पंगा ले। इंसान तो है पर वो ना थोड़ा सा कोजा सा है। कोजा से क्यों है? बस अच्छा ही नहीं लगता यार। यार इंसान इंसान को अच्छा लगना चाहिए ना। हाँ जी, इंसान। बट आई नॉट लाइक इट। नहीं, अभी नहीं करते। इस्लाम तो इस्लाम है ना, इस्लाम को कबूल करे फिर तो वो भी इंसान ही है ना। कुछ नहीं है, यही सब करते रहो चूतियों की तरह। ऐसे तो पाकिस्तान में एक से एक जाहिल और गधे रहते हैं, और अक्सर मैं आप लोगों के लिए उनको ढूंढ के आपके लिए लाता भी रहता हूँ। मैं जाहिलों को समझने के लिए रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं अपने रिसर्च में आगे बढ़ता हूँ, वैसे ही मुझे एक और महाजाहिल मिल जाता है। तो ऐसे ही महाजाहिल आज आपका करेंगे और मेरा करेंगे मनोरंजन। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। क्या वजह क्या है कि हम 1947 से लेकर डॉन बाय डॉन जा रहे हैं, और इंडिया की अगर हम बात करें तो उनका भी कुछ ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर रही थी जब से ये मोदी आया। मोदी ने आकर मुल्क को तब्दील कर दिया, एक तरक्की के रास्ते पर लेकर गया। हमें ऐसा लीडर कब मिलेगा कि हम भी डेवलप होंगे, दुनिया में हमारा भी एक मुकाम होगा, हमारा भी एक नाम होगा, ये कब होगा? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये पूछा कि 1947 से लेकर अभी तक हम तरक्की क्यों नहीं कर सके या हम डेवलप कंट्री क्यों नहीं हो सके। तो उसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि जो हम है ना, हम अपनी कंट्री के बारे में सोचते नहीं हैं। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे BMW वाले आए, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे अपना प्लांट लगाना है। ठीक है, हमने उनको प्लांट नहीं लगाने दिया। कब हो गया ये? कब हुआ, कब? ऐसी खबर तो मैंने कभी उड़ते उड़ते भी नहीं सुनी। अगर आपने सुनी हो तो आप इस भाई को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अच्छी मेरा और इवन के अभी तक हमने 750 बिलियन रुपीज जो है वो हमने इंडिया से अभी तक लेने हैं। अच्छा, 1947 के। तो अगर उसको कैलकुलेट कर लिया जाए आज के लिहाज से तो वो बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। हमारी फौज की डिवीजन वो हमारी सही नहीं हुई, हमारे पानी की डिवीजन हमारी सही नहीं हुई, हमारी सरहदों की डिवीजन सही नहीं हुई। भारत ने अपने 3 टुकड़े कर दिए और इनके साथ में इंसाफ भी नहीं हुआ, यानी कि बकरे की जान चली गई और इनको मजा ही नहीं आ रहा इन बेहतर गुरु वालों को। कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी, जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी। ठीक है, इवन के हमारे साथ वो जाते जाते भी कश्मीर का मसला हमें दे गए हैं वो। ठीक है, कश्मीर का मसला हमारा हल नहीं हो रहा, 75 years हो गए हैं। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। कौन सा कश्मीर भाई, पाकिस्तान भी इंडिया ही था 1947 से पहले तक। और नहीं तो क्या? ये पाकिस्तानी पता नहीं कौन से सस्ते नशे करते हैं, मुझे तो नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता है कि ये लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, क्या इतिहास की नॉलेज है। मतलब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से ये अलग ही बात करते हैं पाकिस्तानी। इनका लेवल ही अलग है भाई साहब, बिल्कुल अलग लेवल है इनका। और फिर कहते हैं हमको गाली मत दो। तो क्या लगता है, एजुकेशन इंडिया की या फिर पाकिस्तान की? नहीं, एजुकेशन जो है अब इंडिया से जाकर वैसे तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, इसलिए लिहाजा जितना मुझे इन्फॉर्मेशन उसके अगर अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो एजुकेशन पाकिस्तान की बेस्ट है। बस अब कुछ नहीं सुनना, पाकिस्तान की एजुकेशन बेस्ट है तो बेस्ट है। अब ये सुनते हैं कैसे। वो इस वजह से बेस्ट है क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड रखा होगा। ऐसे कैसे? अरे चूता समझेगा किस तरह से? हर लिहाज से आपकी एजुकेशन, आपकी बुक्स लगा ले। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। मैं इस बात से एग्री बिल्कुल भी नहीं करता। आप क्यों एग्री नहीं करते? मैं आपकी इस बात से एग्री इसलिए नहीं करता, अमेरिका की आप जितनी भी बड़ी कंपनीज लगा लो, वहाँ के CEO सारे इंडियंस हैं।
इस बात का प्रॉपर सबूत है कि मैं आपको बताता हूँ अगर आप लिटरेसी रेट निकालोगे गूगल पर सर्च करोगे, इंडिया की लिटरेसी रेट जा रहा है इस टाइम 86% जा रहा, और पाकिस्तान के लिटरेसी रेट देखेंगे 68% जा रहा, डिफरेंस है कि नहीं है? यार बात ये नहीं है कि कितने परसेंट लोग एजुकेटेड हैं, बहुत बहुत वैरी करती है ये बात, बहुत वैरी करती है। आपने मुझसे क्वेश्चन ये किया है कि जी आप जो है वो ये बताए कि इंडिया की एजुकेशन सही है या पाकिस्तान की एजुकेशन ज्यादा सही है, आपने ये नहीं पूछा कि इंडिया के ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं या पाकिस्तान के ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल, तो आप हम लिटरेसी रेट पे तो तब जाएंगे जब हम ये देखेंगे कि जी इंडिया के ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं या पाकिस्तान के पढ़े लिखे हैं, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की। वाह 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 वाह, क्या बात कही, ये करी समझदारी वाली बात, मानना पड़ेगा भैया, सही में मानना पड़ेगा भाई कि एजुकेशन किसकी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, आप अगर बात करते हैं कि जी हमारा गूगल का सीईओ इंडियन है या किसी और चीज का सीईओ इंडियन है, तो उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि पाकिस्तान की एजुकेशन नहीं सही, इंडिया की एजुकेशन बहुत ज्यादा सही है तो इसका सीईओ ये है। तो फिर कैसे, सबसे पहले ये है कि हमारा जो कंट्री है ये इस्लामिक है, ठीक है, और मेरे ख्याल में आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि अमेरिकन मुसलमानों को कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं। विक्टिम कार्ड, मुसलमानों के बाद सबसे अच्छी चीज होती है एक उनका विक्टिम कार्ड खेलना, बस अपने आप को हर जगह मुसलमान 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 मासूम दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन हकीकत में दरिंदे यही होते हैं। सही बात है। और इनकी दरिंदगी की मिसाल तो आप ये देखिए कि इनके मदरसे में पढ़ने वाली मौलाना की एक हरकत देखिए, बच्ची के साथ कैसी हरकत कर रहा है। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। ने जो किया ये मदरसे में, पाकिस्तान के हिंदुस्तान के मदरसों में होना एक आम बात है, कॉमन सी बात है कि वहाँ पे बच्ची आ जाती है और बच्चों के साथ में इस तरीके की हरकत होती है। इन लोगों के दिमाग में हवस इतनी घुस चुकी है कि इनको छोटी सी 6 साल की बच्ची के अंदर भी अपनी सेक्स, क्या बोलूँ अब मैं, इनको सेक्स नजर आता है। पाकिस्तान इंडिया को कॉपी नहीं करता, इंडिया कॉपी करता है हमारी चीजों को, हर चीज जो भी हमारी होगी, मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ी हो गई। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, नशा करता है। अबे इंडिया वालों तुम पाकिस्तान को कॉपी क्यों करते हो, तुम्हारा अपना टैलेंट नहीं है क्या कुछ बताओ? इसके अलावा और अपनी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, हमसे ली है सारी, हमारी चीजें चोरी की है उन्होंने। कैसे चोरी की? हमारे पास तो ना हो जो और ट्रेंड्स हैं वो भी अभी आई हैं, उसके अलावा आप देखें कुछ भी नहीं है उनको, उनके देखा जाए तो हमसे काफी आगे जी। हम अपने पाकिस्तान की बदनामी तो नहीं करेंगे। चोर हो तुम इंडिया वालों, चोर, ये तो हद ही हो गई है इंडिया वालों, यार तुम पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी भी चुरा रहे हो, कमाल कर रहे हो यार, कमाल करते हो पांडे जी। सही और गलत तो गलत है ना, अल्लाह ताला ये है कि चले हमारे हुक्मरानों को हिम्मत दे कि ये जो है अपना हमारे अवाम के बारे में सोचे और ये इनसे इंडिया से इतनी तरक्की करें कि इंडिया देख के हमें परेशान हो जाए। शेर चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी, हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। इंडिया तो काफी हमसे आगे जा चुका है, उसकी हेल्थ को देखा जाए, टेक्नोलॉजी को देखा जाए, और वहाँ के आर्मी स्पेशली आर्मी भी हमसे काफी आगे।
बस हमारी आर्मी भी ऐसी है। चलो शुक्र है इस बंदे ने ये नहीं कहा कि हमारी आर्मी नंबर वन है, नहीं तो पाकिस्तान में 99.99% ये लोग यही बोलते फिरते हैं कि हमारी आर्मी दुनिया के अंदर नंबर वन है। हुक्मरान भी हमारे ऐसे शहजादे हैं, हर बंदे ने अपनी तरफ देखने का काम किया हुआ है। उनके चले कुछ खाते हैं तो करते भी हैं, ये सारा कुछ घर ले जाते हैं, ये मामला है। क्या कहेंगे आप, क्या पैगाम देंगे इंडिया को? इंडिया को मीडिया मुर्दाबाद ही कहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को जिंदाबाद कहेंगे। कंट्रोल कंट्रोल, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप क्या बोलोगे भैया? मैं बोलता हूँ और 100 बातों की एक ही बात। तो भैया यहाँ पर हो गया मेरा काम खत्म, अब यहाँ से काम शुरू होता है आपका। अब आपने तीन काम करने हैं और तीनों करने ही करने हैं। सबसे पहले तो 4-5 कमेंट चिपका दीजिए, एक बंदा 4-5 कमेंट करने ही करने चाहिए, ठीक है? जहाँ भी इन जाहिलों की आप जहालत कर सकते हो वहाँ पर आप एक शेयर जरूर कर दीजिए, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, आप जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म से शेयर कर सकते हैं जरूर से एक शेयर कर दीजिए। आपको बेहतर हुरों का वास्ता। कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी, जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी, जन्नत की खूबसूरत लड़कियों। एक 130 फुट जन्नत की लड़की। अल्लाह इसका मुंह किधर है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई। अरे अल्लाह तुम्हें भी 130 फुट कर देगा। अरे अल्लाह तुम्हें भी 130 फुट कर देगा। आर यू कॉमेडी? और मेरा इंस्टाग्राम भी है, मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। एक को फॉलो कर लीजिए, एक को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।